मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने शहर की नई बस्ती व गंदी बस्तियों के रहवासियों के लिए बिजली का कनेक्शन देने की योजना लागू कर दी है। इस योजना की जानकारी देने महाप्रबंधक पीके शर्मा ने महापौर व सभी पार्षदों को बुलवाया और कहा कि अपने अपने वार्ड में मौजूद नई विकसित कॉलोनियों को रहवासियों को कनेक्शन दिलवाए, जिससे कंपनी उन कॉलोनियों में खम्भे लगा कर कनेक्शन दे। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है कि 1 दिसंबर से कंपनी डिस्कनेक्शन की कार्यवाही शुरू कर रही है, जिसमें बिना कनेक्शनधारी रहवासियों के खिलाफ धारा 135 के तहत बिजली चोरी के प्रकरण बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि शहर में ऐसे मकानों की संख्या हजारों में है जिनमें अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं है तथा उनके मालिकों ने मीटर नहीं लगवाया है। यह लोग मुफ्त में बिजली जला रहे हैं, जिससे बिजली कंपनी को हर माह करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। कंपनी ने ऐसे शहरवासियों के लिए कनेक्शन देने की योजना शुरू कर दी है। शहर में ऐसी कॉलोनियों की संख्या दर्जनों में है जहां कॉलोनाइजरों ने खेतों में कॉलोनियां काट दी हैं। इन कॉलोनाइजरों ने कॉलोनी तो काट दी, बिजली कंपनी को विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शुल्क जमा नहीं कराया, जिससे वहाँ के लोग आज भी दूर से अवैध कटिया डाल कर बिजली जला रहे हैं। बिजली कंपनी ने जो योजना शुरू की है उसमें भूखंड के वर्ग फुट के हिसाब से कनेक्शन राशि जमा करानी होगी। इसके तहत 500 वर्ग फुट के भूखंड के लिए कनेक्शन शुल्क 3,120 रुपए तथा अधोसंरचना शुल्क 12,626 रुपए मिलाकर कुल शुल्क 15,746 रुपए जमा करना होगा। इसी प्रकार 1,000 वर्ग फुट तक के भूखंड के लिए कुल शुल्क 23,559 रुपए, 1500 वर्ग फुट तक के प्लाट के लिए 37,772 रुपए कनेक्शन शुल्क जमा करना होगा। इसी प्रकार 1500 से 2000 वर्ग फुट के प्लाट के लिए 88,375 रुपए कनेक्शन शुल्क जमा करना होगा। महापौर व सभी पार्षदों को बुलाकर अपने अपने वार्डों में मौजूद गंदी बस्ती व नव विकसित कॉलोनियों में कनेक्शन दिलवाने की बात कही गई है। 1 दिसंबर से कंपनी इन कॉलोनियों में कटिया उतार कर धारा बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही शुरू कर देगी। शहर में अवैध कॉलोनी, अविकसित कॉलोनी एवं स्लैम एरिया में जहां भी विद्युत कनेक्शन लेने के लिए विद्युत की लाइन, ट्रांसफार्मर और केबल नहीं है, मां कंपनी को द्वारा एक राजपत्र में प्रकाशित करके योजना लॉन्च की है। हम उसके लिए जो भी लाइन, ट्रांसफार्मर और खर्चा आएगा वो विद्युत वितरण कंपनी वहन करेगी। आज इसी परिप्रेक्ष्य में मुरैना शहर में जिला मुख्यालय पर सभी पार्षदगण, सभापति महोदय और महापौर महोदय को इस योजना को अवगत कराने की मीटिंग रखी है। हम सब लोगों को अवगत करा के योजना का लाभ सभी लोगों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यदि इस प्रयास में हम सफल नहीं होते हैं तो 1 तारीख से कुंदी और अवैध कनेक्शन जो चल रहे हैं उनको हटाने की कार्रवाई तुरंत डिसीजन की जाएगी।